वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि नेवी डबले का जो आज का एग्जाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे। आप खुद ब खुद देख सकते हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे यहाँ पर सेंड कर दिए हैं क्वेश्चन। लेकिन इवनिंग में जो वीडियो आएगा, अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वो इवनिंग में जो भी वीडियो आएगा ना, उसमें सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और उसके साथ ही साथ पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो अभी जितने मुझे क्वेश्चन मिले हैं, जितने भी कैंडिडेट्स ने मुझे भेजा है, उन सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना मदद किया। अब देखिए, शाम को मैं जो वीडियो दूंगा उसमें आपको फुल बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये भेजा है हमें, ये इनका नाम है किशोर गहलोत। देखिए, सबसे पहले इसमें दे रखा है कि अब देखिए, यहाँ पर देखिए बेल्जियम की करेंसी पूछी है, कैमल इज द शेप ऑफ द डेजर्ट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आर्टिकल का क्वेश्चन आया है, ठीक है, और एक विंडिकेट आया था, तो सब कुछ बता दूंगा मैं। अच्छा, एक और देखो, सूर्य की सतह से ग्रह की गति को कौन सी राशि नियत रहती है। किस तूफान ने अभी वियतनाम में तबाही मचाई थी। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो ये सारे क्वेश्चन आए थे, और देखिएगा इसके बाद उन्होंने भेजा है कि अकबरनामा के लेखक कौन थे, और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे। त्रिभुज गिरने का क्वेश्चन एक आया था, और देखो यहाँ पर एक्टिव पैसिव भी आया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आए थे दो दो, ही शेड मे आई लीव, ठीक है मैडम। एंड आगे आया था कि सैन्य शक्ति में भारत 2017 में कौन सा स्थान है। तो और यहाँ पर एक वन वर्ड पूछा गया था इन्वेंसिबल का, जिसे कोई जीता ना सके। तो देखो यहाँ पर जो किशोर जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा हमें क्वेश्चन सेंड किए। इसके साथ ही साथ आगे देखो क्या कमेंट आया है। ये देखो, सर मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, थैंक यू सो मच सर, आपका बताया सारा एंट्रेंस रणम्स आया था। तो रंजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, चलो आपका पेपर अच्छा होना चाहिए। इसके साथ देखिए, मुकुल शर्मा हैं जो हमारे एक अच्छे दोस्त हैं, तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता देता हूँ इन्होंने क्या भेजा है। इन्होंने भेजा है कि सर देखो, एक्टिव पैसिव एक्टिव वॉइस से भी आया था, ठीक है, इंग्लिश में एक आर्टिकल भी आया था ए एन दा से, और देखिए फिजिक्स में 12th क्लास की सेकंड बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, यानी सेकंड बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे आपका फिजिक्स के बारे में। और बोल रहे हैं कि मैथ तो आसान था, मैथ का लेवल जो था वो ज़्यादा टफ नहीं था। इसके साथ देखिए, मैथ से देखिए इंटरगल एंड डिफ्रेंशियस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सेट थ्योरी भी आई थी, जो मैंने कल ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था। इसके साथ बहुत क्वेश्चन थे सर, नेम इनका मुकुल शर्मा है, जो कि मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं, देख सकते हैं ये हमारे मुकुल जी हैं। मुकुल जी आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अभी बता दूंगा, अभी थोड़े कम क्वेश्चन आए हैं। तो देखो, मैं जो आपको एक ईमेल, इस पर आप अपने नंबर सेंड कर दीजिए या फिर इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन बचे हुए वो शाम की वीडियो में हम पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, मुझे छुट्टी नहीं मिलती इसलिए बैक टू बैक आपसे बात नहीं कर पा रहा, कॉल आपके आए थे, लेकिन अभी आप इनका एंजॉय करें, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। शाम को मैं फिर दोबारा से एक नई वीडियो के साथ मिलता हूँ, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली अपडेशन मैं आपको दूंगा शाम के पेपर में क्या आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है, जिससे कि आप अगले दिन का पेपर अच्छी तरह से दे सकें। तो पूरा डिटेल मैं आपको इस चैनल पर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।